महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा दिलचस्प हो चला है। बता दें कि मिनट दर मिनट महाराष्ट्र की सियासी तस्वीरें बदल रही हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को एक झटका लग गया है, जहां पर दो विधायकों को दिल्ली से मुंबई ले गई है यूथ ब्रिगेड की टीम। दिल्ली से मुंबई वापस लौटे हैं एनसीपी के दो विधायक। एनसीपी के दौलत दरोड़ा और अनिल पाटिल आज मुंबई पहुंचे हैं। 54 में से 52 विधायक शरद पवार के खेमे में आ गए हैं। तो जो बात पहले चल रही थी कि अजीत पवार के साथ कम से कम 5 विधायक उनके साथ में हैं, उनके समर्थन में हैं, ऐसे में अब 2 विधायकों को जिनको दिल्ली में रखा गया था उनको अब मुंबई वापस ले जाया गया है। अब 54 जिस तरह से विधायक हैं एनसीपी के, उनमें से 52 विधायक शरद पवार के खेमे में आ गए हैं। यानी कि अजीत पवार के साथ महज एक ही यहां पर कह सकते हैं विधायक है, उनको मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 30 नवंबर से पहले यहां पर फ्लोर टेस्ट में साबित करना है कि अजीत पवार जिस तरह से बीजेपी के साथ आए हैं उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। 170 विधायकों का समर्थन की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि जब 52 विधायक शरद पवार के साथ में है तो ऐसे में अब बीजेपी के साथ कौन आएगा। हालांकि इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां पर सभी से, चाहे अजीत पवार की बात करें या फिर महाराष्ट्र सरकार की, राज्यपाल से और जिस तरह से केंद्र सरकार से भी यहां पर जवाब मांगा गया है, आदेश और जो समर्थन का पत्र है वो मांगा गया है, तो उस पर आज सुनवाई होगी। और ये देखना होगा कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट का दिन जो है वो कब यहां पर तय सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जाता है।